नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पुराने नोटों और सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये जो पुराने नोट और सिक्के हैं ये आपके कौन से लोग खरीदते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको फालतू की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं या फिर आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं या आपसे अकाउंट नंबर मांगते हैं, लेकिन दोस्तों वो हमें पता है कि वो 100% फ्रॉड करते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में काफी मैसेज आए हैं, उन्होंने बताए हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जिन्होंने फ्रॉड भी किया है। इस प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी व्यक्ति कोई भी अकाउंट नंबर या फिर कोई रिश्वत मांगे या फिर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस मांगे तो आपको बिल्कुल ही नहीं देना है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे अगर कोई भी कमेंट आए जिनमें बताया गया होता है कि अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा हम आपके जो भी पुराने नोट और सिक्के हैं वो बिकवा देंगे, तो दोस्तों उस कमेंट बॉक्स पर आप बिल्कुल भी शक ना कीजिएगा, वो 100% फेक होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी पुराने नोट या फिर कोई भी पुराने सिक्के हैं और आप लोग उन सिक्कों और नोटों को घर बैठे बेचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी और आपके साथ फ्रॉड होने से भी आप बच जाओगे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आप फ्रॉड के शिकार भी बन सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं अपनी कंपनी के कुछ बायर्स मेंबर्स जो अपने पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने बहुत ही बड़े नोटों और सिक्कों का डिमांड बताया है, बहुत बड़ा सिक्कों का डिमांड बताया, ढेरों का मतलब डिमांड बताया है, इतने लोगों के पास डिमांड आ चुके हैं। अगर आपके पास, मैं आपको इस वीडियो में जो नोट और सिक्के बताऊंगा, अगर आप लोगों के पास वो नोट और सिक्के पाए जाते हैं तो आप घर पर बैठे आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं, यानी कि आपको लाखों रुपए घर बैठे मिल सकते हैं। इस प्रकार आप लोगों को लाखों रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आपके पुराने नोट और ये पुराने सिक्के हैं वो आपके कौन से लोग खरीदेंगे वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पुराने नोट या फिर कोई भी पुराने सिक्के हैं तो आप लोगों को किस प्रकार बेचना होगा, साथ ही साथ आपको उन नोटों और सिक्कों की कीमत आप लोगों को कितनी मिलने वाली है, इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और हम आपको बता देते हैं। इन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अपने इस PRS हेल्पलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस YouTube चैनल को यहां से सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बगल में बेल का आइकन दिखाई देता है, इनको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है और वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना है। दोस्तों इतना करने से आपको ये फायदा होगा कि अगली जिन जिन नोटों और सिक्कों की डिमांड आएगी इस एग्जीबिशन शो में, जिन जिन नोटों और सिक्कों की डिमांड आएगी उसी का वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आना होगा, कमेंट करके बताना होगा कि आपके पास कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जिन्हें आप लोग बेचना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों इन लोगों के पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं और इनमें से लगभग हमने 400 लोगों की पुराने नोट और सिक्के बिकवा दिए हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आकर बताया है। तो अगर आप लोग भी अपने पुराने नोट या फिर कोई पुराने सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताएं ताकि दोस्तों आप लोगों से हम ये नोट और सिक्के खरीद सके। साथ ही साथ दोस्तों इन जो एग्जीबिशन शो में कुछ बड़े बायर्स की आवश्यकता है, बायर्स नहीं लेकिन नौकरों की आवश्यकता है जो पुराने नोटों और सिक्कों का कलेक्शन कर सके। अगर आप लोग भी हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की पुराने नोटों और सिक्कों की डिमांड की, साथ ही साथ उसकी कीमत की कि कितनी कीमत आपको उन नोटों और सिक्कों के बदले घर बैठे मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आज अपने सामने जो डिमांड आई है वो 1 रुपए के इस प्रकार के सिक्के की, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक सिक्के के 1 रुपए के सिक्के के ऊपर आपको 1 रुपया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको कुछ गेहूं के पौधे के जो बालियां दिखाई दे रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको बालियां भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस साइड भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से बालियां दिखाई दे रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इन दोनों साइड आपको बालियां दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको एक इस प्रकार का एक छोटा सा मिंट मार्क दिखाई देता होगा। अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार का कोई 1 रुपए का सिक्का है जिसके ऊपर इस प्रकार का मिंट मार्क है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस सिक्के के ऊपर आप लोगों को इस प्रकार की एक सुंदर सी डिजाइन भी दिखाई दे रही है, यानी कि दोस्तों ये जो सिक्के है ये राम मंदिर में आंगन में लगवाने के लिए इसकी आवश्यकता है, जो 1 रुपए के बदले आपको मिल सकते हैं आसानी से 2231
₹21। जी हाँ दोस्तों, एक सिक्के की इतनी कीमत आप लोगों को मिलने वाली है ₹2,231। अगर आपके पास भी ये इस प्रकार का कोई भी सिक्का है गेहूं के पौधे वाला, और इसकी जो दूसरी साइड आप लोग देख सकते हैं जिसके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको इस प्रकार की कुछ साइडें भी दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार का कोई भी सिक्का है जिसके ऊपर इस प्रकार का अशोक स्तंभ का चिन्ह सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है तो आपको भी मिल सकती है इतनी कीमत। अगर आपके पास ये सिक्का है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। दोस्तों अगला सिक्का जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाला सिक्का, अगर आप लोगों के पास भी ये सिक्का पाया जाता है श्री माता वैष्णो देवी जी वाला, जिसके ऊपर आप लोगों को माता वैष्णो देवी जी का फोटो आपको यहाँ पर बना हुआ नजर आता होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको एक इस प्रकार का छोटा सा मिंट मार्क भी बना हुआ नजर आता होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको इस प्रकार का कुछ इस प्रकार की एक साइड भी दिखाई दे रही है, जो कि अगर आप लोगों के पास भी ये इस प्रकार की साइड वाला कोई भी सिक्का है तो आपको मिल सकती है घर बैठे आसानी से ₹12,000। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपके पास माता वैष्णो देवी जी वाला इस प्रकार का कोई भी सिक्का है तो आपको मिल सकते हैं ₹12,000। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, ताकि दोस्तों आप लोगों से हम ये सिक्का खरीद सकें और आप लोगों को इतनी कीमत हम दे सकें। दोस्तों अगली जो नोट है, जो ₹5 की ट्रैक्टर वाली नोट है, दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी ये ₹5 की भारतीय रिजर्व बैंक वाली ट्रैक्टर वाली नोट है तो आप लोग भी घर बैठे आसानी से इस नोट को ₹5,00,000 में बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो नोट है लकी नोट मानी जाती है, इसको RBI वापस ले रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक किसान है जो ट्रैक्टर चलाता हुआ आपको नजर आता होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको एक सूर्योदय के समय एक किसान जो कि ट्रैक्टर चलाता हुआ नजर आता होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको एक इस प्रकार का छोटा सा बैकग्राउंड भी दिखाई देता होगा। अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार का भारतीय रिजर्व बैंक वाला कोई भी ₹5 का नोट है, आप लोग ₹5 के नोट को घर बैठे बेचना चाहते हैं तो आपको घर बैठे मिल सकते हैं आसानी से ₹5,00,000। क्योंकि दोस्तों ये जो नोट है बहुत ही लकी नोट है, जिसके ऊपर आपको इस प्रकार की डिजाइनें भी मिलती हैं। अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार की नोट वाला या फिर इस प्रकार की डिजाइन वाला कोई भी ₹5 का नोट है जिसके ऊपर आप लोगों को एक इस प्रकार का वाटरमार्क भी दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास भी ₹5 का ऐसा नोट है, आप लोग ₹5 की इस प्रकार की नोट को बेचना चाहते हैं तो आप घर पर बैठे आसानी से बेच सकते हैं ₹5,00,000 में। अगर आपके पास ₹5 का ये नोट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। अगला सिक्का जो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ₹10 का सिक्का है, जिसके ऊपर आपको इस प्रकार की दो लाइनें दिखाई दे रही है, जो कि ये सिक्का है सिल्वर प्लस गोल्ड कलर का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर कलर, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोल्ड कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो सिक्का है सिल्वर प्लस गोल्ड कलर का है। अगर आप लोगों के पास भी ये इस प्रकार का सिल्वर प्लस गोल्ड कलर का कोई भी ₹10 का सिक्का है तो आप लोग घर पर बैठे आसानी से इस ₹10 के सिक्के को आसानी से घर बैठे ₹12,000 से लेकर ₹15,000 तक के मध्य आसानी से बेच सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी, घर पर बैठे ही बेचना होगा, जिसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ मिलता है, और ये है जो 2006 का सिक्का है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी लेना देना नहीं है तिथि से, लेकिन दोस्तों आपके पास अगर ये सिक्का है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। जिस सिक्के के ऊपर आपको एक छोटा सा मिंट मार्क मिल सकता है और दो लाइनें आपको होनी हुई, मतलब इस सिक्के के ऊपर बनी हुई जरूर होनी चाहिए, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास भी इस प्रकार का दो लाइनों वाला कोई सिक्का है ₹10 का तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी पुराने नोट और सिक्के हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल चुके होंगे, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो अभी तक आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बीच में कॉन्टैक्ट नंबर दे चुके हैं। अगर आपने स्किप करके देखा है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला है, और अगर आपने स्किप करके नहीं देखा है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल चुके हैं। अगर आपको अभी तक वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, जिसके अंदर आपको पूरी जानकारी बताने के बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए गए हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको एक सेकंड के मध्य दे दिए, और अगर आपने एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए,
बायर की कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए और आप लोग यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आकर बता सकते हैं कि आपके पास कौन से नोट और सिक्के हैं, कितने कितने नोट और सिक्के हैं, ये सारी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए मतलब फिर मिलते हैं अगली डिमांड के साथ। और अगर आपने अभी तक पुराने नोट और सिक्कों से संबंधित अगर आप पुराने सिक्के बेचना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फिर बताएंगे हम आपको अगली डिमांड पुराने नोटों और